सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर जो महान है, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अनुग्रह देने वाला पवित्र परमेश्वर है। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आँखों को बंद करेंगे आज के सुंदर समय में और हम प्रभु की उपस्थिति में थोड़ी देर हम व्यतीत करेंगे और कहेंगे प्रभु हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आप सबों के जीवन को परमेश्वर बदलेगा, आपके सिचुएशंस को प्रभु बदलेगा, क्योंकि हमारा प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए अपनी आँखों को बंद करें, हम धन्यवाद दे थोड़ी देर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे आसमानी बाप खुदा। हालेलुया, आइए अपनी आँखों को बंद करें थोड़ी देर, धन्यवाद दीजिए प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा यीशु, तेरा हम धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू सेनाओं का यहोवा राजा राफा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग जुड़ते जा रहे प्रभु, तेरी आशीष हम मांगते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग इस घड़ी मुझे सुन रहे, हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, दिन भर अपनी उपस्थिति में रखा, अपने छाया में रखा। परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते इस घड़ी पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। इस घड़ी प्यारे परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं मेरे खुदावंत। प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू सेनाओं का यहोवा राजा रावा रिखी रा लामा शाखा रा लबा। ओ स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। हालेलुया, हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला मेरा स्वामी, मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आते हैं हम सभी, हालेलुया, तेरे भवन यीशु के संग। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, जब इस घड़ी हम गीतों को गाते हैं, हर एक व्यक्ति धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा करते गाए, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हुए गाए और परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आते हैं हम सभी, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पूरा खामा मशा खारा लबा शबा बाबा मामा मदिरडी बे। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा, एक साथ मिलकर ऊंचे आवाज में प्रभु की महिमा करते गाए, परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे पे प्रभु यीशु। आते मुसीबत आ जाए, सेवा में बढ़ना है, चाहे तूफान निर्धनता में आगे बढ़ना है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। पूरा खा मामा मामा मशा बारा लबा रबा। दुखिया मुसीबत आ जाए,
सेवा में बढ़ना है, चाहे तो निर्धनता में आगे बढ़ना है, दुखिया मुसीबत आ जाए सेवा में बढ़ना है, चाहे तो लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे पे प्रभु यीशु, यीशु मेरा सच्चा प्रभु हर पल संभालता है, टूटा हुआ मन को प्रभु ग्रहण करता है। प्यारे प्रिय लोगों, प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमें संभालता में आशीष देता है, उसकी महिमा करें। मैं यीशु मेरा सच्चा प्रभु हर पल संभालता है, टूटा पल संभालता है, टूटा हुआ मन को प्रभु ग्रहण करता है। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, ज्योति दिखाता है, अशांति मन को प्रभु शांति देता है। कितना महान हमारा परमेश्वर है, जो हमारे अशांत मन को शांत कर देता है, हमारे व्याकुलता को दूर करके हमें शांति देता है। चाहे गोरंग कार में चलो ज्योति दिखाता है, आशा के मन को प्रभु शांति देता है। चाहे गोरंग कार में चलो ज्योति शांति मन को प्रभु शांति देता है। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, प्रभु यीशु लो ग्रहण करो राखा बाबा हमारे में शबरणा प्रभु यीशु जीसस हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्यारे परमेश्वर, ओ मेरे खुदा, इस घड़ी हम सभी को तेरे चरणों में आते हैं खुदा, इस घड़ी हम सभी को तुझे पुकारते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर।
इस घड़ी प्रभु हम सभी मिलकर तेरी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावंद। ओ प्यारे परमेश्वर तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। ओ रबा बाबा 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 मा शकर लबा रबा। ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे इस घड़ी प्रभु, जहाँ कहीं से भी प्रभु ये प्रिय लोग शामिल हुए आज की आराधना में प्रभु, आज ये आराधना एक एक के जीवन में मैं जानता हूँ तेरा ब्लेसिंग को लेकर आएगा प्रभु। ओ जो उद्धार नहीं पाए आज की आराधना के द्वारा लोग उद्धार को पाए मेरे पिता। अगर किसी के जीवन में बंधन पाया जाता है, ओ यीशु के नाम से आज सारा बंधन टूटने पाए, अंधकार की शक्तियां नष्ट किया जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना, दया करना मेरे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय में प्रभु, पिता इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्रभु जी, हर एक हमारे साथ मिलकर आराधना करने वालों को आशीष देना प्रभु, अपनी उपस्थिति में लिए चलना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तूने प्रार्थना को सुना है, तूने उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक प्रिय भाई बहनों को, आमेन। जितने लोग जहां कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, बड़ी आदर के साथ हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा में शामिल हो जाए, क्योंकि प्रभु आज आपके जीवन से बात करेगा। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ लगता है प्रभु हमसे बात कर रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप प्रार्थना के लिए समय निकालेंगे, आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो प्रभु आपसे बात करेगा, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर को पुकार रहे हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस खड़ी हम और भी गीतों को ताली बजा कर हम प्रभु की महिमा करते गाएंगे। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना को जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त करें। आमेन। आइए हम ताली बजा कर प्रभु की महिमा करते गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आमेन। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ है 2 दिन की। प्रभु की महिमा करते हुए अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन के। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन के। पार महिमा इसी से हमको मिलेगी, ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश। ताली बजा कर हालेलुया। अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी, अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी। निराश ना होंगे निराश। देखे दुनिया से
देखे स्वर्ग पे आग लगे, देखे दुनिया से हो नहीं, अंधे स्वर्ग पे आग लगे ना। हमारा सौभाग्य है, ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश। प्रभु की महिमा करते हुए महाराज यीशु आएंगे, तब हम खुशियां मनाएंगे। महाराज यीशु आएंगे, तब हम खुशियां मनाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें दो दिन की, ना होना निराश तुम, ना होना निराश। हालेलुया, आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए इस घड़ी और हम प्रभु को बोले, हाँ मेरे पिता, मेरे जीवन में जो निराशापन है आज तुम उसे मेरे जीवन से दूर कर। आइए प्रभु को बोले, पिता इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूं, तेरे चरणों में मैं आता हूं। प्रभु इस घड़ी मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हालेलुया जीसस, आइए पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने हृदय को। आइए खोले प्रभु के लिए, खोले इसी घड़ी। आइए प्रभु को बोले, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूं मेरे जीवन में, मेरे बीच में। पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके जीवन को अभिषेक करेगा। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, प्रभु मेरे जीवन को अपनी सामर्थ्य से भर। ओ पिता मैं तेरे पास में आता हूं इस घड़ी। Holy Jesus Lord,
हुरा बाबा 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 प्रभु मेरे जीवन को छू ले, मेरे पापों को क्षमा कर पिता, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर मेरे अब्बा, मुझे पवित्र कर। हर एक व्यक्ति बोले प्रभु मुझे पवित्र कर मेरे पिता, मेरे पापों को क्षमा कर मेरे स्वामी, मैं पवित्र हो जाऊं यीशु, मैं पवित्र हो जाऊं प्रभु, मैं पवित्र हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं प्रभु। पिता मैं तेरे पास में आता हूं इस घड़ी प्रभु, मैं तुझी पर विश्वास करता हूं, मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तेरे ही ऊपर में है प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूं। ये तेरा घर यीशु प्रभु, ये तेरा घर है, हम विश्वास करते हैं तू हमारे बीच में है। धन्यवाद स्वामी कि तूने ये सुंदर समय को दिया प्रभु, कि आज हम एक साथ मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं, अपने अपने घरों से होकर प्रभु आज हम तुझे पुकार पाते हैं मेरे पिता। धन्यवाद स्वामी पिता इस सुंदर समय को देने के लिए, मैं जानता हूं तू दयालु परमेश्वर, तू दया करने वाला प्रभु है। मैं जानता हूं प्रभु कि यहां कई ऐसे लोग जो मुझे देख रहे हैं उनके जीवन में बहुत सी आशाएं होंगी प्रभु जी, जो पिता तुझसे लोग चाहते होंगे, और मैं जानता हूं प्रभु तू हर एक की जरूरतों को जानता है, तू पूरा करेगा। मैं एक एक के जीवन को मैं ब्लेस करता हूं इसी घड़ी यीशु के नाम में खुदा। धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज वचन को सुने प्रभु, हर एक व्यक्ति वचन को जब सुनते तेरी आशीषों से तेरी आत्मा से भर जाए मेरे पिता, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, परमेश्वर ब्लेस करे। परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, आज मैं उन बातों को आपके सामने मैं रखूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का प्रार्थना हमारा होना चाहिए, थोड़ी देर पहले मैं इसी वचन को मैं स्मरण कर रहा था। प्रेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के जीवन के लिए, और मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सबसे पहले प्रार्थना में सबसे पहले हमारे हृदय की सच्चाई को देखता है। हालेलुया, सबसे पहले परमेश्वर जो है हमारे हृदय की सच्चाइयों को देखता है। आमेन आमेन, वो जोर देता है कि हम कितना सच्चाई से हम प्रार्थना करते हैं, कितना सच्चाई से हम प्रभु को पुकारते हैं। अगर हम सच्चाई से, हमारे अंदर में सच्चाई नहीं है, हम प्रेयर तो कर रहे हैं लेकिन सच्चाई हमारे अंदर में नहीं है, सच्चाई कहने का मतलब है वो विश्वास नहीं है, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेयर हमारा हवा में चला जाएगा। कई बार मैं प्रार्थना करता था, पहले मैं सोचता था अरे प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं सुन रहा है कि नहीं परमेश्वर, कि मेरा प्रार्थना हवा में जा रहा है। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, जब मैंने गहराई से प्रभु को जब मैंने जाना, मैंने देखा इस बात को कि सच में हमारा पुकारना व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया, मत्ती उसका 6:7 में बड़ा अच्छा वचन लिखा है, Matthew 6:7 मत्ती रचित सुसमाचार समय 4:6-7 में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। क्या लिखा है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत लोग क्या करते हैं, हालेलुया धन्यवाद, अच्छी बात है आप धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है, मन के अंदर से जैसा प्रेयर निकलना चाहिए, होना चाहिए, वो नहीं है। अन्य जाति लोग क्या करते, विश्वास नहीं करते। कई बार हमारा प्रार्थना क्या था, बिना विश्वास का प्रार्थना होता है। बिना विश्वास का प्रार्थना, क्या प्रभु हमारी प्रेयर को सुन सकता है? हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है कि प्रभु मुझे छुटकारा देगा, प्रभु मेरे प्रेयर को सुनेगा, प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास बहुत जरूरी है।
बक बक करने से कुछ नहीं होगा। फेथ, आप विश्वास रखिए और चिल्ला चिल्ला के आप जैसा प्रार्थना करते हो प्रभु, चाहे आप शांत होकर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, प्रभु प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय के सच्चाई को देखता है कि मेरा मन कितना सच्चा है प्रभु के प्रति। हालेलुया। पहला सामवेल उसका एक अध्याय उसका 13 पद में जब हम देखते हैं, कई बार प्रभु चाहता है कि हम शांत होके हम मेडिटेट करें परमेश्वर के वचनों को, हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1:13 में आप देखिए यहां पर हन्ना का प्रेयर कैसा था, लिखा है पहला सैमुएल 1:13 पद, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। इनका प्रेयर देखिए किस प्रकार से था। बाइबल बताती है कि हन्ना शांत होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही है, मन ही मन प्रभु के सम्मुख में अपनी बातों को बोल रही है। इसका कहने का मतलब यह नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं, मन कुछ नहीं बोलते, बस शांत होकर प्रार्थना जब चल रहा है कुछ नहीं बोलते हैं, बस पता नहीं क्या करते हैं, इसका यह मतलब नहीं। आप मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमको प्रेयर करना है, यह बहुत जरूरी है प्रार्थना करना। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जब प्रार्थना करते कोई मतलब नहीं है प्रार्थना से, बस उनका मन पता नहीं कहां चला जाता है, चाहे गीत हो चाहे कुछ भी हो, बस शांत होकर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अच्छी बात है कि आप ध्यान से हो सके आप मन लगा के आप सुन रहे होंगे, आप मन लगा के प्रभु की ओर ध्यान कर रहे होंगे, लेकिन उस जगह में गलत है जब आपका ध्यान दूसरी ओर भटका हुआ है और आप इसलिए शांत है। लेकिन हन्ना का ध्यान प्रभु की ओर था, इसलिए लिखा वो मन ही मन परमेश्वर को पुकार रही थी, मन ही मन वो परमेश्वर को अपने दुख और तकलीफ को बता रही थी। किसी ने कहा कि ब्रदर मैं अपने घर में चिल्ला के प्रार्थना नहीं कर सकती हूं, मैं अपने घर में मैं आवाज निकालकर बाइबल नहीं पढ़ सकती हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हन्ना के जैसा प्रार्थना करिए। लिखा होंठ तो हिलते थे लेकिन कुछ आवाज सुनाई ना पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। आप उस रीति से प्रार्थना करिए परमेश्वर से, आपका वो प्रभु को मन मन ही मन प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु आपका प्रेयर को सुनेगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता उसका 62 अध्याय साम चैप्टर 62 में पढ़ेंगे उसका पहला पद में, तो लिखा है राजा दाऊद क्या बोलता है, भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसका पहला पद, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं क्योंकि मेरा उद्धार उसी से होता है। आप मन लगाइए रहिए। कई बार हम लोग कई बार क्या करते हैं, सिर्फ मांगते रहते हैं। कई बार आप शांत होकर इस बात को सुनिए कि प्रभु आपको क्या कह रहा है। कई बार आप ध्यान से शांत हो जाइए और प्रभु को आप देखिए कि प्रभु तू आज मुझसे क्या बोलना चाहता है, प्रभु मैं तैयार हूं तू मुझसे बात कर। अपने मन को उसकी ओर लगाएं, अपने मन को उसकी ओर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर प्रार्थना किसी भी रीति से सुनेगा, परंतु सबसे पहले हृदय की सच्चाई को प्रभु देखता है। कई लोग सोचते बहुत चिल्लाएंगे बहुत बोलेंगे तो प्रभु सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप चिल्ला रहे अच्छी बात है, आप ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, आप अपने आवाज को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। पहले सच्चाई होना जरूरी है, इस हृदय में परमेश्वर के वचन के प्रति गहराई होना बहुत जरूरी है।
दूसरी बात, पहला हम यहां पर देख रहे हैं कि हमको शांत होकर परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हम मन ही मन में हम प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, अगर हम नहमिया में देखते हैं, नहमिया की किताब उसका 9 अध्याय उसका 4 पद, नहमिया चैप्टर 9 वर्स 4, नहमिया उसका 9 अध्याय उसका 4 पद, नहमिया चैप्टर 9 वर्स 4 लिखा, येशु बानी कदमियल सबनिया बुन्नी सेरेबिया बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर लिखा, ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। ऊंचे सबसे अपने पापों को उन्होंने अंगीकार किया कि परमेश्वर हाय मैंने पाप किया है। एज्रा और नहेमिया उस जागृति को इसराइलियों के जीवन में लाना चाहते थे और इसलिए दोनों ने मिलकर जब लोगों को समझाया, लिखा यहां पर हमने जितने लोगों का नाम पढ़ा, ये सारे लोग ऊंचे स्वर से प्रभु को पुकार रहे, ऊंचे स्वर से अपने पापों को मान रहे, ऊंचे शब्द से अपने गलतियों को मान रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। ऊंचे शब्द से, अगर आप ऊंचे शब्द से प्रार्थना कर सकते हैं, करिए मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें कोई गलती नहीं। कई लोग बोलते हैं अरे ऊंचे चिल्ला चिल्ला के फालतू प्रार्थना करता है। अगर आपके अंदर यहां पर आप जानते हैं कि मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है, आप ऊंचे सबसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भजन संहिता उसका 77 अध्याय साम चैप्टर 77 वर्स 1 पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखता है, साम चैप्टर 77 वर्स 1, यहां पर लिखा है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की दुहाई जब आप देते हैं, आप चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं। यहां पर लिखा आसाफ का ये भजन है और ये बोलता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया यहां पर कि हम शांत होकर मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, आप चिल्ला कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक मिरेकल को देख रहा था, देखिए कैसे इनका चिल्लाना व्यर्थ नहीं गया। लुका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 35 पद से आगे यहां पर, एक व्यक्ति है जो अंधा है, जो भीख मांग रहा अपने जीवन को चलाने के लिए, लेकिन जब ये व्यक्ति यीशु मसीह के जाने की आवाज को सुन रहा है, क्या लिखा है, लुक चैप्टर 18 वर्स 35 ऑनवर्ड, लुक रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 35 पद से आगे, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी लिखा चिल्लाने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका चिल्लाना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप ऊंचे आवाज से जब आप प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर तब भी आपकी प्रेयर को सुनता है। ऐसा नहीं है कि बस परमेश्वर मन ही मन की प्रार्थना सुनता है। आप ऊंचे आवाज से प्रभु को पुकार सकते हैं। ये अंधा व्यक्ति जिसको लोग रोक रहे थे, अरे शांत रहो, चुप रहो, क्या तुम चिल्ला रहे हो, लेकिन लिखा वो और भी चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दिया प्रभु को। बाइबल बताती, यीशु मसीह ठहर गया और बोला, उस व्यक्ति को मेरे पास में लेकर आओ। उस व्यक्ति से पूछा, यीशु मसीह तुम्हें क्या चाहिए, वो व्यक्ति बोलता, मैं देखना चाहता हूं प्रभु। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब आप विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, हालेलुया।
ऊंचे आवाज में प्रभु की आराधना करें, ऊंचे आवाजों में प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई बहन, वो प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात को बोलकर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। पहला, मन ही मन आप प्रार्थना कर सकते। दूसरा, आप ऊंचे आवाज में प्रार्थना कर सकते। तीसरा, आप गीतों के द्वारा भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। अक्सर मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूं, कहीं भी मैं जाता हूं, जब से मैंने प्रभु को सच्ची रीति से मैंने जाना, मैं सच्चाई से जब प्रभु के पीछे मैं चलना 2014 से मैंने शुरू किया। मुझे शुरू में मैं इसी बात को कि मैं कहीं भी जाऊं प्रभु, मेरे मुंह में तेरी महिमा के गीत होना चाहिए। और उसके बाद मैं जहां भी जाता था, चाहे मैं साइकिल में जाऊं, चाहे मैं स्कूटी पर जाऊं, मैं कहीं भी जाता था, मैं परमेश्वर की महिमा के गीतों को मैं गा गा कर, आज भी मैं कहीं भी मैं जाता हूं रास्ते पर, मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर की महिमा के गीतों को मैं गाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं। अगर आप इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 और 20 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इफिसियंस चैप्टर 5:19-20, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 और 20 पद लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो लिखा है। ये वचन बहुत सारी बातों को आज हमें बतलाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारी शिक्षाओं को ये वचन हमें देता है। यहां पर लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आज मैं बहुत सारे मसीह भाई बहनों को मैं देखता हूं, आत्मिक गीत के बजाय आज लोग संसारी गीतों को ज्यादा पसंद करते हैं, संसारी गीतों को गाना ज्यादा पसंद करते हैं, संसारी गीतों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, सोचिए, मैं आपको उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, जब दाऊद बीना बजाता था, बाइबल बताती है सौल के अंदर से दुष्टात्माएं भागती थी, दुष्टात्माएं छटपटाने लगती थी और वो भागती थी। सौल जो आत्मिक धुन बजाता था, सोचिए, जब वो आत्मिक गीतों को दाऊद जब गाता था आत्मिक गीतों को, और सौल के अंदर से दुष्टात्मा भागती थी, अगर हम संसारी गीतों को गाएंगे तो क्या वो दुष्टात्मा हमारे अंदर में नहीं आएगी? जब आत्मिक गीत से शैतान भागता है तो एक संसारी गीत से, मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। हम संसारी गीतों की ओर हमारा ध्यान आज के समय में बहुत ज्यादा जाता है। बहुत सारे जवानों को पूछिए, जो प्रभु को जानने वाले क्रिश्चियंस फैमिली में आप जाके उनको पूछिए, मसीह का गीत, उससे ज्यादा उसको संसारी गीत मालूम होगा। आपस में लिखा है, भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को मैं जब देखता हूं, जब वो सॉन्ग को डालते हैं, संसारिक गीतों को डालते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, इससे हमारा जो आत्मा का जो जीवन है, वो जो सच्चाई है, वो भ्रष्ट होता है। हालेलुया। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो लिखा है। अपने अपने मन में प्रभु के सामने लिखा, गाते रहो, कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मैं एक फैमिली में मैं गया, मैं उस फैमिली में देखा, उनसे मैं वो लोग बताने लगे कि मैं अपना टीवी रिचार्ज मालूम है मैं क्यों करती हूं। वो बहन बता रही थी कि मैं इसलिए करती हूं क्योंकि मैं एक चैनल है जिसमें 24 आवर वो प्रेयर देता है, वो उसी प्रार्थना की संगति के लिए वो एनी टाइम वो अपना हमेशा रिचार्ज करती है, और 24 घंटा उसका टीवी में वही चैनल खुला हुआ रहता है।
शुभ संदेश और वो सुनते रहती है। प्रभु कितना आशीष देगा जब हम आत्मिक गीतों को सुनेंगे, आत्मिक गीतों को गाएंगे, आत्मिक चीजों में हमारा मन लगा रहेगा। क्या वो स्वर्गीय परमेश्वर में आशीष नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखा है, कोलोसियंस चैप्टर 3:16 लिखा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या करो, अधिकाई से, बाइबल बताती, बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। लिखा है सिर्फ आप आत्मिक गीत मत गाइए, साथ ही साथ आप अपने लोगों को सिखाइए आत्मिक गीत, उनको चिताइए, उनको चेतावनी दीजिए, उनको समझाइए। कई बार बस अरे वो दूसरा फैमिली से मेरा क्या जाता है, मेरे बच्चे तो आत्मिक गीत गाते हैं, मेरे बच्चे तो प्रार्थना करते हैं। जैसा आप अपने बच्चों को आत्मिक गीत सुनाते हैं उसी प्रकार आप लोगों को भी आत्मिक गीत सुनाइए, सिखाइए। हालेलुया। जैसे आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं वैसे आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आत्मिक गीत होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप जानते हैं ना, पौलुस और सिलास जब जेल खाने के अंदर में बंद थे, बाइबल बताती है कि जब वे लोग गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्या प्रेजेंस वहां पर आया। बाइबल बताती है उनका गीत गाना, लिखा वे गा रहे थे और लोग सुन रहे थे। लिखा है, मैं सोचता हूं बहुत सारे ऐसे जवान लोग हैं मुझे जो देख रहे हैं, आप प्रभु की महिमा के गीतों को अच्छी रीति से, आपकी आवाज बहुत अच्छी, आप गा सकते हैं, गाइए, कोई बात नहीं, आपकी आवाज ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आप गाइए। पौलुस और सिलास जब गा रहे थे लिखा कैदी सुन रहे थे और वहां पर लिखा प्रभु का उपस्थिति आया और जब प्रभु का उपस्थिति आया लिखा सबके बंधन टूट पड़े। सिर्फ पौलुस और सिलास का बंधन नहीं टूटा लेकिन लिखा सुनने वालों का भी बंधन टूट गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जब आत्मिक गीतों को गाएंगे प्रार्थना के साथ में, आत्मिक गीतों के धुन में लगे रहेंगे, सिर्फ आपका जीवन नहीं बदलेगा लेकिन आपका परिवार भी बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से प्रभु को बोलिए, परमेश्वर मेरे अंदर जितने भी संसारिक गीतों की बातें हैं आज मेरे जीवन से बाहर कर दे प्रभु, मैं आज से तेरी महिमा के गीत गाना चाहता हूं, आज से प्रभु तेरी स्तुति के गीतों को गाना चाहता हूं, आज से प्रभु मैं तेरे भजन के गीतों को मैं गाना चाहता हूं। राजा दाऊद देखिए, पूरा भजन संहिता पढ़िएगा, राजा दाऊद कई गीतों को लिखा, कई गीतों को वो गा रहा है। मालूम है उन गीतों के द्वारा प्रभु कितना आशीष उसको दिया। आपको प्रभु जैसा उभारता है आप गीत गा गा के प्रार्थना करिए परमेश्वर से, उस गीतों में अपने दर्द को आप प्रभु के सम्मुख में प्रकट करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए 17 पद में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हम जो कुछ भी करते हैं आप प्रभु को स्मरण करिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारी गलती क्या है मालूम है, हम एग्जाम देने जाते हैं लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम प्रभु को स्मरण नहीं करते हैं। खुद से एक बार हमको प्रेयर करना है। मैं चाहता हूं जवान लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो आप जॉब के लिए काफी ज्यादा निराश है, परेशान है, आप प्रेयर करिए, आप एग्जाम प्रार्थना के द्वारा लिखिए, इंटरव्यू आप प्रार्थना के साथ में दीजिए। कई बार हम बस प्रेयर रिक्वेस्ट दे देते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट लिख देते हैं और हम शांत हो जाते हैं कि हां ब्रदर को दे दिए, ब्रदर प्रेयर कर रहा है। प्रभु आज हमारे हृदय से भी चाहता है
कि हम हो सके आप सिचुएशन है, आप मन ही मन आप प्रेयर करिए, लेकिन प्रार्थना करिए। आप चाहते हैं ऊंचे आवाज में प्रार्थना करना, ऊंचे आवाज में प्रार्थना करिए। आप चाहते हैं गीतों के द्वारा प्रार्थना करने, गीत गाइए, प्रभु की आत्मिक गीतों को गाइए। आत्मिक गीतों को गाते भी आपके जीवन में प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के गीत गाने से कभी पीछे मत हटिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु को बोलेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन को ब्लेस कर, परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर। परमेश्वर हो रा ला माशी खी रा ला बा 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 मा 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 शा ओ रिखा बा 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 मा 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 शा बा रा ला बा रा बा ला बा। ओली जीसस प्यारे परमेश्वर, प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदावन पिता, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। इस घड़ी अपनी आँखों को बंद करें और आइए प्रभु को बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ। राजा रिखा रा लबा, महिमा तेरी ही हो, प्रताप तेरा ही हो। हालेलुया। स्तुति शन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। रिखा रा लबा बाबा मा 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 शाखा रा लबा। जब इस गीत को गाते आई हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए और परमेश्वर को आप पुकारिए और बोलिए, परमेश्वर मैं मुझे प्रार्थना में मेरा मन लगे। आज कई लोग ऐसे हैं जो मन में भी प्रार्थना नहीं करते हैं, ऊंचे आवाज में भी प्रार्थना नहीं करते हैं, ना गीतों को गाते हैं। आइए प्रभु को बोले, पिता मेरा मन आत्मिक चीजों में लगे, मेरा मन आत्मिक बातों में लगे, मेरा मन आत्मिक कार्यों में लगने पाए। मेरे पिता मैं वचन में या काम में जो कुछ भी करूं सब में प्रभु मैं तुझे स्मरण करने वाला व्यक्ति बन जाऊं। हुरा बा 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 मा मा शिकी रा ला बा 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 हुरी बा 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 मा 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 दे रडे बे शा बा रा बा रा बा रा बा। परमेश्वर मुझे अभिषेक कर, प्रभु मुझे अभिषेक कर। मेरे पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ को प्रभु हमारे जीवन में उंडेल दे। मेरे पिता अपनी आत्मा को प्रभु मेरे जीवन में उंडेल दे। मेरे पिता प्रार्थना करिए परमेश्वर। रिका बा 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 मा 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 शा बा रा ला बा रा बा। हन्ना मन ही मन प्रभु को पुकारी और बाइबल बताती है प्रभु ने उनकी सुधि ली और परमेश्वर ने संतान की आशीष दी। इज़राइल ने ऊंचे आवाज से परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को अंगीकार किए, प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पौलुस और सिलास आत्मिक गीतों को गाए और लिखा, बंधन टूट पड़े। प्रभु को बोले, मेरे अंदर से जितने भी संसारिक बातें हैं, संसारिक गीते हैं, यीशु के नाम में प्रभु मेरे अंदर से तू बाहर कर पिता, और मुझे पवित्र कर, मेरा मन पवित्रता की चीजों में लगे। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो। अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाएं इस घड़ी, प्रभु अभिषेक करें। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिखते जाएं। स्तुति और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, स्तुति और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। Glory apne anmol love।
छोटा हो जाए इस घड़ी। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु के नाम में गवाही में बदले, यीशु के नाम में गवाही में बदले। हर एक को अपनी आत्मा से भर दे, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे, हर एक बीमारियों से छुटकारा दे यीशु के नाम में। रा बा 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 शिकी रा 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 बा। अगुआ मेरा साथी हमारा दर्शन दे देने वाला, अगुआ मेरा साथी हमारा दर्शन दे देने वाला, अनमोल प्रेम के अनुडाबल से आग जला व्यक्ति मिलके आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, मेरा प्रेमी यीशु है के, मैं देख रहा हूं किसी के पेट में, किडनी में, मैं स्टोन को मैं देखता हूं, ईश्वर के नाम पथरी हुआ है, प्रभु हील कर रहा है, प्रभु आजाद कर रहा है, और वो स्टोन यीशु के नाम में सिकड़ी पार आ रहा है, पार निकल रहा है, मैं फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं ईश्वर के नाम में, वो पथरी वो स्टोन यीशु के नाम में बाहर निकले राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फ्री हो जाओ जो बीमारी से गई, छंगे हो जाओ यीशु के नाम में, छंगे हो जाओ यीशु के नाम में, बीमारियां बाहर जाए, अंधकार की शक्तियां बाहर जाए, इसी घड़ी दुष्ट आत्माएं निकले यीशु के नाम में बाहर जाए, फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर, रा बा 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 शिकी रा ला बा रा बा। यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, हर एक बीमारियां बाहर, हर एक अंधकार की शक्ति ऐसी घड़ी बाहर जाए, हर एक शोल्डर पे, हर एक लेग पे, हर एक स्टमक, हर एक हेड पे, हर एक हाथ पे, ओ हर एक लिवर पे, हर एक किडनी पे, ओ यीशु के नाम में फ्री। इस घड़ी में चाहता हूं आपके शरीर में जहां कहीं भी प्रॉब्लम है, आपके शरीर में जहां कहीं भी तकलीफें हैं, दर्द है, प्रॉब्लम है, इस घड़ी
आप उस जगह में अपने हाथ को रखिए, उस जगह में अपनी बीमारी वाले स्थान में रखिए। प्रभु इसी घड़ी हील कर रहा है, यीशु के नाम में हील कर रहा है, राइट नाउ, राइट नाउ। अगर आपको शैतान परेशान कर रहा, अपने सर पर हाथ रखे। री रा राकोंदा मामाशे राखो री बाबा बाबा मामाशा, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु, जहां भी प्रिय लोगों ने अपने हाथों को रखा है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, फ्री करता हूँ प्रभु, मैं आजाद करता हूँ यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी बीमारियां बाहर जाए, इनका सारा दर्द तकलीफ दुख संकट यीशु के नाम में बाहर जाए, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। हर एक शैतानी आत्मा यीशु के नाम से बाहर जाए इसी घड़ी, फ्री करता हूं मैं यीशु के नाम में। मेरे पिता मैं आज्ञा देता हूं, जहां कहीं भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। प्रभु मैं चंगाई की घोषणा करता हूं इसी घड़ी, और मैं देख रहा हूं कई लोगों का पेन इसी घड़ी खत्म हो रहा है। जो हाथ नहीं उठा सकते थे वे हाथ उठाएंगे इसी घड़ी यीशु के नाम में, जो चल नहीं सकते थे यीशु के नाम में चले इसी घड़ी। रिखा राला मामा 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 माशा, हर एक पैरालाइज पन बाहर जाए इसी घड़ी यीशु के नाम में। जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है इसी घड़ी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। जिनका बीपी और सुगर हाई एंड लो है यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए इसी घड़ी। रिखा बाबा बाबा मामा माशा, जो भी बीमारी है प्रभु इसी घड़ी मैं आत्मा में मैं कहता हूं आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। मैं फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं। तेरा अभिषेक को मैं मांग रहा हूं यीशु के नाम में। दया कर प्रभु, छूले 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 छूले, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु अभिषेक कर प्रभु, इनका इंटरव्यू इनका एग्जाम देना। ओ प्रभु तेरा ब्लेसिंग को लेकर आया, अच्छे जॉब से प्रभु ब्लेस कर यीशु के नाम में। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा शांति है यीशु के नाम में, एक एक घरों में एक एक जीवन में हस्तक्षेप कर प्रभु, ताकि हर एक का घर से हर एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा उल्टी सीधी बातें नशे पान की आत्मा बाहर जाए। हो राखा मामा शिकीरा लाबा, हर एक बिजनेस को मैं यीशु के नाम में मैं ब्लेस कर रहा हूं, नौकरी को मैं यीशु के नाम में मैं ब्लेस कर रहा हूं, इनकम सोर्स को मैं यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं, तेरा अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आंखों का इन्फेक्शन बाहर जाए यीशु के नाम में। अच्छा स्वास्थ्य दे एक एक जीवन को, गुड हेल्थ दे यीशु के नाम में इसी घड़ी हर एक को। जो हॉस्पिटल में चंगाई को पाए यीशु के नाम में। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है इसी घड़ी, चंगाई दे रहा है। आप जो नहीं कर सकते थे इस घड़ी आप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस सुरा लखा मामाशा, हर एक फीवर सर्दी खांसी जुकाम यीशु के नाम में बाहर जाने पाए। त्रियाशीष को मैं एक एक जीवन में मैं मांगता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस घड़ी जब हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवा के लिए बीज बोते अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट जो कुछ भी प्रिय लोग विश्वास के द्वारा देते हैं, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्रभु तो पूरा करना। हर एक का देना मैं जानता हूं तो ब्लेस करेगा मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। मैं सोचता हूँ प्रभु ने आप सबों के जीवन को ब्लेस किया है। हालेलुया हालेलुया। जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं प्रभु आपके पढ़ाई में भी आशीष को देगा, आमेन। विश्वास रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं हमेशा जवानों को मैं इस बात के लिए उत्साहित करता हूँ, आप अपने पढ़ाई को प्रार्थना के साथ में लेकर चलिए और प्रभु आपके पढ़ाई में ब्लेस करेगा, आशीष देगा, आमेन। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल इस घड़ी आएगा, आपको जो कुछ भी प्रभु भरता है आप विश्वास के साथ में दीजिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है, इसलिए आप विश्वास के साथ प्रभु आपको भरता है धन्यवादी भेंट के लिए दान दशमलव जो कुछ भी प्रभु आपको भरता है आप विश्वास के साथ में दे। और जरूर आप अपना नाम को लिखिए, क्योंकि आने वाले सैटरडे को जैसा आज मैंने प्रार्थना किया उन लोगों का वचन से पहले नाम लेकर, आने वाले सैटरडे को पुनः एक बार उन प्रियों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सो अपना नाम लिखना ना भूले। हालेलुया। और विश्वास के साथ दे, आपके स्क्रीन पर गूगल पे फोन पे बैंक का डिटेल एंड QR कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करेगा, आमेन आमेन। हम गाएंगे, यर्दन नदी किनारे मैं खड़ा हुआ था, ओह मेरा सुंदर चैन देश। प्रभु की महिमा करते हम गाएं और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे।
जीसस आमेन। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए यर्दन नदी किनारे मैं खड़ा हुआ था, यर्दन नदी किनारे मैं खड़ा हुआ था, ओ मेरा सुंदर चैन देत गगन को मैं नजर करता, गगन को मैं नजर करता, ओ मेरा सुंदर चैन देत गगन को मैं नजर करता, गगन को मैं नजर करता। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं प्रभु आशीष दे, आमेन। जरूर अपना नाम को लिखें यीशु के नाम में, आमेन। परमेश्वर ब्लेस करे, ग्लोरी। विश्वास में देखता हो मेरा सुंदर चैन दे, विश्वास में देखता हो वो हो मेरा चैन दे, विश्वास में देखा हो ओ मेरा चैन दे, ओ मेरा सुंदर चैन दे, गगन को मैं नजर करता, गगन को मैं नजर करता, ओ मेरा सुंदर चैन दे, गगन को मैं नजर करता, गगन को मैं नजर करता, आत्मा में देखता हूँ ओहो मेरा चैन दे। परमेश्वर की महिमा करते हुए जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको जो भी प्रभु भारत है आप दे सकते हैं प्रभु आशीष दे में। आत्मा में देखा हूँ ओहो मेरा चैन दे, आत्मा में देखता हूँ मेरा चैन दे, ओ मेरा सुंदर चैन दे, गगन को मैं नजर करता, गगन को मैं नजर करता, ओ मेरा सुंदर चैन दे, गगन को मैं नजर करता, गगन को मैं नजर करता, यर्दन नदी किनारे मैं हुआ था, यदन नदी किनारे मैं खड़ा हुआ था, ओ मेरा सुंदर चैन दे, गगन को मैं नजर करता, गगन को मैं नजर करता, ओ मेरा सुंदर चैन दे, गगन को मैं नजर करता, गगन को मैं नजर करता, आमेन। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक को जितने लोग प्रभु की शंकाई के लिए दे रहे हैं दिए यीशु के नाम में, पूरा खाबा मशा करा लाबा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, इस खड़ी मैं यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ हर एक प्रिय लोग, जितने लोग इस घड़ी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जहाँ कहीं से भी प्रिय लोग आज की इस आराधना में शामिल हुए, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इन्होंने विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आज की आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, इनका विश्वास के साथ शामिल होना व्यर्थ नहीं गया प्रभु, तू इन्हें प्रभु आशीष देगा और प्रभु जो बीमार है उन्हें तू चंगाई देगा, हम विश्वास करते हैं प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज की आराधना में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते, जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी सेवा के लिए धन्यवाद दी, दान दशमांश भेंट को दिया है, हर एक भंडार को प्रभु तू भरा पूरा रखना मेरे पिता, हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु, जो प्रिय लोग आज की आराधना में पिता परमेश्वर प्राप्त किए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद सारे आशीषे मिलते हैं तुझसे धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु साई। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। और साथ ही साथ याद रखें लगातार आप मेरे लिए मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं और भी प्रभु में आगे बढ़ने पाऊँ। और ज़रूर प्रभु अगर आपको उभारता है कोई भी दिन सप्ताह के बीच में भी अगर आपको प्रभु उभारता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। और जो भी हमारे ऑनलाइन आराधना में खर्च होते हैं साथ ही साथ लगातार रांची शहर में अलग अलग जगहों में हमारी टीम हमारे साथ में हम लोग विजिटिंग करते हैं सो उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसलिए ज़रूर आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस सेवकाई को और आगे बढ़ाने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए ज़रूर आप प्रार्थना करिए प्रभु बहुत ऐत की आशीष को देगा। आमेन आमेन। हालेलुया। और प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना। सप्ताह का तीनों कार्यक्रमों में आप शामिल होकर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें मैसेज के माध्यम से कॉल के माध्यम से अपना प्रार्थना निवेदन शेयर कर सकते हैं। ज़रूर मैं और हमारी टीम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। कोई भी गवाही आपको इस सेवकाई के दौरान प्रभु आपके जीवन में काम करता है अपनी गवाही को हमें व्हाट्सअप में आप मैसेज के माध्यम से या डायरेक्ट SMS के माध्यम से आप हमें शेयर करिए अपना नाम के साथ ताकि आपकी गवाही हमारे ऑनलाइन आराधना पर होगी और लोगों के लिए आशीष का कारण होगी। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद। ज्योति है कै यीशु मसीह।